दोस्तों यूं तो आपने कई सारे कलाकार देखे होंगे जो बचपन में अपने किरदारों की वजह से खूब ज्यादा पॉपुलर हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें जो लीड किरदार होते हैं तो वहीं कुछ ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट भी होते हैं जो अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में कि आज वो कहाँ हैं, उनकी उम्र क्या हो गई और क्या वो आज भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं या फिर नहीं। नंबर वन पर दोस्तों हम बात करते हैं आनंद वर्धान की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आनंद वर्धान का। वेल, आपने फिल्म सूर्यवंशम अगर देखी है तो उसमें आपको एक छोटा सा बच्चा तो मालूम ही होगा जो कि फिल्म में हीरा के बेटे का किरदार निभाता हुआ नजर आया था। फिल्म में भले ही उन्हें स्कूल ड्रेस में, कुर्ता पजामा में, गोलू मोलू क्यूट अंदाज में देखा गया होगा, लेकिन आज आनंद वर्धान 28 साल के हो चुके हैं और 28 साल की उम्र में होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग भी नजर आते हैं। बता दें कि बचपन में अपनी क्यूट लुक से सबको इम्प्रेस करने वाले आनंद वर्धान आज अपने एक्टिंग करियर को जारी रखे हुए हैं और आज वो लाखों लड़कियों के दिलों पर राज करते हैं। इतना ही नहीं, वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता भी हैं। नंबर दो, नील नितिन मुकेश के डैशिंग और हैंडसम लुक्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1989 में नील नितिन मुकेश ने भी एक शानदार किरदार निभाया था। जी हाँ, वो किरदार था छोटे रवि वर्मा का। 1989 में फिल्म आई थी जैसी करनी वैसी भरनी। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश छोटे रवि वर्मा बने थे और उनका ये किरदार फिल्म में चार चांद लगाने के खूब काम आया था। आपको बता दें कि आज नील नितिन मुकेश शादीशुदा हो चुके हैं और उनके बच्चे भी हैं। मतलब आपको बता दें कि नील नितिन मुकेश को आखिरी बार फिल्म गोलमाल 5 में देखा गया था। नंबर तीन, उत्कर्ष शर्मा। वेल दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर तो आप सबने ही देखी है। आप क्या जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म गदर में एक छोटा सा बच्चा था जो कि सनी देओल का बेटा बना था। वेल, साल 2001 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाले उत्कर्ष शर्मा आज 27 साल के हो गए हैं। उस छोटी सी उम्र में जहां वो कुर्ता पजामा और पगड़ी पहने हुए नजर आए थे तो वहीं आज वो अपने हैंडसम लुक में अक्सर नजर आते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आखिरी बार फिल्म जीनियस में देखा गया था और आज भी उनका करियर जारी है। नंबर चार पर बात करते हैं अर्जुन पंडित की। दोस्तों, फिल्म कोई मिल गया तो आप सबने ही देखी है जो की रिलीज हुई थी साल 2003 में। यह फिल्म बच्चों से लेकर हर एक की काफी ज्यादा पसंदीदा फिल्म है। इस फिल्म में आपने कई सारे बच्चे देखे थे लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो सरदार का किरदार निभाता नजर आया था। वेल, सरदार का किरदार निभाने वाले बच्चे का नाम कोई और नहीं बल्कि अर्जुन पंडित ही था जो कि फिल्म में पगड़ी लगाता हुआ नजर आया था। आपको बता दें कि अर्जुन पंडित आज 30 साल के हो चुके हैं और काफी हैंडसम नजर आते हैं। वेल, आज भी वो अपनी जिंदगी में सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर हम बात करते हैं ओमकार कपूर की। वेल दोस्तों, चाइल्ड आर्टिस्ट रोमी के किरदार में आपने इन्हें देखा होगा। आपको बता दें कि फेमस फिल्म जुदाई में नजर आए थे। आज इन्होंने अपनी 35 साल की उम्र पूरी कर ली है। बचपन में जितने क्यूट लगते थे बड़े होकर ये उतने ही हैंडसम और स्टाइलिश भी हो गए हैं। वेल, आपको बता दें कि वो आज भी सिंगल ही हैं। नंबर 6 पर बात करते हैं जय गिदवानी की। वेल, जय गिदवानी को आपने करिश्मा कपूर की फिल्म शक्ति द पावर में देखा होगा। एक छोटे से बच्चे का क्यूट सा किरदार निभाने वाले जय गिदवानी आज 25 साल के हो गए हैं। बचपन में जहां वो चुब्बी चिक्स और क्यूट हेयर स्टाइल के साथ नजर आए थे तो वहीं आज वो दाढ़ी मूंछ के साथ अपने डैशिंग अवतार में अक्सर नजर आते हैं। वेल, आपको बता दें कि वो आज इंडस्ट्री से दूर अपने बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर हम बात करते हैं आदित्य कपाड़िया की। फिल्म जानवर में राजू का किरदार निभाने वाले एक्टर आदित्य कपाड़िया ने आज 34 साल की उम्र पूरी कर ली है। आपको बता दें कि आज वो पहले से काफी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। वह कुछ वक्त पहले ही उन्होंने तनवीर ठक्कर से शादी की है। उनकी वाइफ तनवीर ठक्कर भी इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री है। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर हम बात करते हैं एक्टर कुणाल खेमू के बारे में। दोस्तों, कुणाल खेमू को फिल्म राजा हिंदुस्तानी में रजनीकांत का किरदार निभाते हुए आमिर खान के साथ देखा गया था। आज वो 38 इयर्स के हो चुके हैं। आपको बता दें कि आज भी कुणाल खेमू काफी हैंडसम नजर आते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहद ही शानदार अंदाज में पटौदी खानदान की बेटी से शादी की है और आज उनके बच्चे भी हैं। वेल, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली इन बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर आपका क्या कहना है।